आज हम डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में, तो जो साइकोमेट्रिक चार्ट है, हमारा जो मोस्ट शेयर है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक चार्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कि इसका चार्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ये चार्ट जो था स्टार्टिंग में हमारा सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच बनाया गया था। तो इसको हम देख सकते हैं, आपका ये चार्ट है सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर के बीच बनाया गया। ठीक है, लेकिन हमको बाद में पता चला कि ये जो सैचुरेशन प्रेशर है ये ओमेगा भी इसका ही फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया बाद में, लोगों इसको क्या किया गया कि इसको ओमेगा और ड्राइवल टेम्परेचर के बीच बनाया गया। तो इसको आगे देखते हैं हम, जो अभी जो ये चार्ट मिलता है हमको अभी, तो हमारा जो चार्ट है साइकोमेट्रिक चार्ट किस किस के बीच बनता है, ओमेगा और ड्राइवल टेम्परेचर के बीच। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट एक्स एक्सिस में आपने ड्राइवल टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस में आपने ओमेगा लिया। ठीक है, और ये आपका सैचुरेशन कर्व है। ओके, मुझे आपका सुपरहीटेड स्टेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम एक्चुअली देखेंगे कि कौन सा। हाँ, अब देखते हैं हम केस वन, कांस्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर लाइन हमको डिनोट करनी है साइकोमेट्रिक चार्ट। तो कौन सा है, ड्राइवल टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जे इधर की तरफ जाते हैं तो ड्राइवल टेम्परेचर आपका क्या बढ़ता है, और इधर की तरफ जाते हैं ड्राइवल टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। मान लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री चाहिए, यहाँ पे माइनस के 10 डिग्री चाहिए। तो कांस्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर लाइन हमको बनानी है इस ग्राफ पे। तो अगर हम ये लाइन खींचें तो इस लाइन पे 10 मान लेते हैं टेम्परेचर, इस पे 30 मान लिया, इस पे 40 मान लिया, मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर लाइन इधर की ऐसे आएगी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये कांस्टेंट जो आपके ड्राइवल टेम्परेचर लाइन है वो क्या है, वर्टिकल लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, और इंक्रीजिंग इन प्लस डायरेक्शन। अब जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो ड्राइवल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उनके बीच में जो क्या है, यूनिफॉर्म स्पेस है। जैसे ऐसे ऐसे नहीं कि ये इसके बीच में इतना स्पेस है और दूसरे लाइन के बीच इतना स्पेस है, मतलब सब लाइन्स के बीच में बराबर स्पेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, तो कांस्टेंट जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होगी वो आपकी, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर जाने पे आपकी बढ़ती है। तो ठीक है, तो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी सैचुरेशन कर्व की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखोगे। ठीक है, तो प्लस पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस मूविंग टूवर्ड्स सैचुरेशन कर्व। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्पेस स्पेस मतलब बराबर स्पेस, इंक्रीजिंग पॉजिटिव बाई डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस की। आगे हम बात करते हैं कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन की। कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन हमने देखा कि हम ये वाली लाइन हमारी क्या है, ड्राइवल टेम्परेचर कांस्टेंट है वर्टिकल लाइन में। ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, दो तरीके की लाइन हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए अगर लाइन आपकी सैचुरेशन कर्व से दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो आपकी ये कौन सी लाइन होगी, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। ठीक है, इधर की तरफ सैचुरेशन कर्व से दूर मूव कर रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन प्लस बाई डायरेक्शन, और इनके बीच का जो नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस है, ठीक है, इनके बीच का जो ये ऐसे गैप है, जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स ये आपकी हो गई। ठीक है, ओके,
तो आज के लिए इतना ही बहुत है।